अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मदर शायद और आप देख रहे हैं कंप्यूटर शंप्यूटर। तो आज की जो है वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं वेब असेंबली से रिलेटेड, और इसके लिए इंशाल्लाह हम लोग जो है ट्यूटोरियल्स भी बनाएंगे। तकरीबन जो है ये 10 से 15 वीडियो से मुश्तमिल होगा, जिसके अंदर हम लोग जो है आपको इंट्रोडक्शन से लेकर के आपको एक बिगिनियर लेवल तक ले जाएंगे, जिसके अंदर जो है आप लोग थोड़ा बहुत जो है वेब असेंबली कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, जिसके अंदर आप जो है कोडिंग भी करेंगे और साथ साथ जो है इसका प्रोग्राम भी लिखेंगे। इसके अंदर हम लोग किस तरह से इसके अंदर जो है कन्वर्ट करके हम लोग आ जाएंगे। तो इससे पहले जो है आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलते हैं अपने वीडियो टॉपिक के जाने, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर शंप्यूटर को और साथ बेल आइकन दबाइए और हमारी हर नई वीडियो से अपडेटेड हो जाइए। तो बेसिकली जो है सबसे पहले मैंने जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने साइट का लिंक दे दिया, आप इस साइट पे ओपन हो जाइए। उसके बाद जो है आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो उससे पहले जो है मैं आपको वेब असेंबली के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जो है मैं आपको बता चलूँ कि वेब असेंबली असल में है क्या चीज़। तो वेब असेंबली जिसे हम लोग एब्रीवेट करते हैं वेसम के साथ भी, जैसा कि यहाँ पर वेबसाइट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। असल में ये क्या होता है कि वेब असेंबली एक ऐसा जो है, यहाँ पे जैसे आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई वेब असेंबली सब बाइनरी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट फॉर ये फलाना फलाना, ठीक है। तो वेब असेंबली असल में जो है कि प्रोग्रामिंग सेट की तरफ एक ऐसा ट्रेंड है जिसके अंदर जो है आपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड करना है, चाहे वो सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे वो रस्ट हो। तो वो क्या हो जाएगा कि आप जब इसको कंपाइल करेंगे तो वो आपको वेब पे डिप्लॉय हो जाता है, ठीक है। असल में जो है इसका यही एप्लीकेशन है कि भाई अगर आप जो है कोई कोड लिख रहे हो किसी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो उसको आप जो है वेब के ऊपर असल में किस तरह से ब्राउज़र के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है, तो असल में जो है इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरीके का है, ठीक है। इसका जो है अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों आगे आने के बढ़ने के चांसेस है, या फिर क्यों जो है इसे आगे ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि अगर आप देखते होंगे जावा स्क्रिप्ट की अगर मिसाल लें तो ये जावा स्क्रिप्ट को पीछे कर सकती है, वो इस वजह से क्योंकि जावा एज़ कम्पेयर टू जावा स्क्रिप्ट ये फास्ट है। क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई जब से सबसे फास्टेस्ट जो कंपाइलेशन जो स्पीड है वो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की होती है, जैसे कि आप सबको पता है, क्योंकि वो जो है आपको बाइनरी कोड जनरेट करती है। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो वो बाइट कोड जनरेट करती है, वो भी फास्टेस्ट है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू वेब असेंबली जो आपका कॉन्सेप्ट है उससे जो है थोड़ा स्लो है। अब होता क्या है कि जैसे आपको जो सी और सी प्लस प्लस है वो कन्वर्ट होकर बाइनरी इंस्ट्रक्शन मतलब बाइनरी फॉर्मेट में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद आपका वेब असेंबली जो फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। उस बिल्कुल इसी तरीके से जो है फिर इसके बाद क्या होता है आपका जब ये कन्वर्ट किया जाता है तो आपका वेब पे जो है डिप्लॉय हो जाता है। अब इसके जो मेन जो गोल है या फिर आप कह सकते हैं इसके जो अब एक खासियत आप बोल सकते हैं कि इसकी खासियत ये है कि ये एफिशिएंट और फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ये आपके जावास्क्रिप्ट के सैंडबॉक्स में भी काम कर रहा होता है, सैंडबॉक्स में ही काम कर रहा होता है, जिस सैंडबॉक्स में जावास्क्रिप्ट जिस एनवायरनमेंट में जावास्क्रिप्ट काम करता है उसी एनवायरनमेंट या उसी सैंडबॉक्स के अंदर वेब असेंबली भी काम कर रही होती है। तो अब इस चीज़ से तो हम लोग को जो है डरने की ज़रूरत नहीं कि ये सिक्योर नहीं, ये बिल्कुल सिक्योर है जैसे जावास्क्रिप्ट आपकी सिक्योर्ड है। अब होता क्या है जब ये आपकी उसी सैंडबॉक्स में काम कर रही होती है, जैसे कि आपको पता है ये बाइनरी कोड जनरेट करती है, और जो बाइनरी कोड होता है वो आपका जो है एज़ कम्पेयर टू बाइट कोड वो थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि भाई आपका एफिशिएंट और फास्ट होती है, साथ सेफ़ भी, मैं आपको बता दी कि सेफ़ भी है और ओपन एंड डिबगेबल भी है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है इसके पहले टेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में पढ़ लेते हैं, तो उससे हम लोग आगे पता चल जाएगा कि ओपन और डिबगेबल कैसे है। तो इसके टेक्स्ट फॉर्मेट्स के ऊपर अगर हम लोग आएँ तो इसके टेक्स्ट फॉर्मेट जो है हम लोग को यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग को सबसे पहले जो ये लिखा हुआ कि भाई आपको वेब असेंबली की ऐसी स्टैंडर्डाइज जो है टेक्स्ट फॉर्मेट आपको डिफाइन करती है, जो कि आपको क्या करेगा आपको जो वेब असेंबली मॉड्यूल होता है उसको क्या करेगा बाइनरी फॉर्मेट में करेगा। अब होता क्या है जब आप इसका जो है इसका एक बाइनरी फॉर्मेट होता है जिसे हम लोग वेबिट करके जो है पुकारते हैं, वेबिट करके इसको जो है बोला जाता है। तो वेबिट क्या है, वेब असेंबली जो है बाइनरी टूलकिट होती है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि इसके जो है आप इसके अंदर वेट टू वेसम जो है या फिर वेसम टू वेट को जो है आप कन्वर्ट करा सकते हैं। अब वेट क्या है, वेट जो है यहाँ पर वेब असेंबली जो है आपका वेब असेंबली टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर जो है आपने जो भी अपना कोड लिखा होता है जैसे कि सी या फिर जो है सी प्लस प्लस या फिर रस्ट के अंदर, तो उससे आप जो है वेसम जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेब असेंबली जो होता है उस बाइनरी फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी इस टूल के थ्रू, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको ये टूल की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर जो है आप वेट को जो है आप वेसम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और साथ साथ क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक बिनेरियन दिखता है, ठीक है। बिनेरियन यहाँ पर जो है ऐसा यहाँ पर कंपाइलर और ऐसा टूल चेंज जो है वर्क कर रहा है
जो कि जिसका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो वो सी प्लस प्लस के अंदर लिखा गया है, ठीक है। और असल में ये क्या कर रहा होता है कि हम लोग को एक कंपाइलर जैसी और कंपाइलर और टूल चेन हम लोग को असल में प्रोवाइड कर रहा होता है ये बिनेरियन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अगर आपको बात करना चलूँ तो इसके अंदर जो है आपको लीनियर स्ट्रक्चर में अगर आपको दिखा चलूँ इसके अंदर क्या होगा, पहले आप जैसे सी प्लस प्लस में आपने कोड लिखा, ये आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी के अंदर, उसके बाद जो है इसका जो अपना टेक्स्ट है उसका जो टेक्स्ट फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि वैसम टेक्स्ट फॉर्मेट होगा, ठीक है, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है वेब पे आप इजीली इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और इजीली आप इसको जो है वेब के थ्रू जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं कि भाई अब जो है जब पहली बार जब ये रिलीज़ हुआ था, ठीक है, 2015 में जब इसको अनाउंस किया गया था, उसके बाद जो है इसको रिलीज़ किया गया मोज़िला ने, ठीक है। मोज़िला ने जब इसको रिलीज़ किया तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो है दूसरे ब्राउज़र्स के ऊपर भी पड़ा, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से जो है अब जो इसका वेब असेंबली का जो वर्जन 1 जो है वो रिलीज़ हुआ था, जिसके अंदर जो है क्या हुआ कि 4 बड़े जो ब्राउज़र है उस पर शिफ्ट कर दिया गया है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो 4 बड़े ब्राउज़र है वो आपने देखे हैं, कभी ना कभी देखे ज़रूर होंगे, जिसमें आपका जो है मोज़िला आ जाता है, आपका गूगल क्रोम आ जाता है, सफारी आ जाता है और साथ साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है। तो इसके अंदर जो है आपको ये 4 बड़े जो ब्राउज़र हैं ये आपके जो है इस पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जो है इसको और भी जो है ब्राउज़र सपोर्ट करेंगे। अगर एज़ कम्पेयर टू अब बात करें जावास्क्रिप्ट वालों की, जावास्क्रिप्ट के साथ अब क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट बैठ जाएगी, क्या जावास्क्रिप्ट जो है अब नहीं चलेगी वेब असेंबली के बाद, तो ऐसा मैं नहीं कहता कि ये जो है वेब असेंबली आने के बाद जो है जावास्क्रिप्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी या फिर बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जो है वेब असेंबली जो है अब जो है जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से अगर तेज़ है और जावास्क्रिप्ट से जल्द काम कर रही है तो क्या होगा कि भाई लोग थोड़ा ज़्यादा जो है वेब असेंबली की तरफ जो है रुख करेंगे, क्योंकि आप देखें जावास्क्रिप्ट के लिए आपको पर्टिकुलर एक लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट के लिए, जो जावास्क्रिप्ट की अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप वेब असेंबली के प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं आपको जावास्क्रिप्ट जैसा काम मिल रहा है लेकिन आपको जो लैंग्वेज है आपकी मनपसंद, मतलब आपके जो भी हाई लेवल लैंग्वेज आपको पसंद है तो उसके थ्रू अगर आप इस पर काम कर रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है एक पर्टिकुलर अलग से लैंग्वेज सीखने की। तो यही वजह है जो वेब असेंबली के जो है बढ़ने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे कि भाई कि हम लोग किस तरीके से जो है इसको रन करा सकते हैं या फिर किस तरीके से इसको जो है डिप्लॉय करा सकते हैं अपने उस इंटरनेट के एक्सप्लोरर के थ्रू या फिर जो है अपने गूगल क्रोम के थ्रू या फिर गूगल मोज़िला में। तो अब क्या होता है कि भाई जब ये चीज़ें करने से पहले आपको जो है कुछ पैकेजेस जो है इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो वो पैकेजेस भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ जो है इसके इस प्रोसेस के लिए हम लोग जो है यूबंटू का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले अगर आपने इंटरेस्टेड है इस चीज़ के अंदर तो आपने जो है अपने लैपटॉप में जाके या अपने कंप्यूटर में जाके आपने यूबंटू इंस्टॉल कर लेनी है, चाहे वो आप वर्चुअल बॉक्स में करें या फिर जो है आप जो है फुल सिस्टम भी जो है आप कर सकते हैं, वो आपके जो है उसके ऊपर है कि आप जो है कौन सा आप करना चाहते हैं या फिर आप कौन सा जो है चूज़ करते हैं। मेरी आपको ज़्यादा सजेशन रहेगी कि आप जो है फुल में आप जो है आप यूबंटू इंस्टॉल कर लें, क्योंकि बेहतर ये होता है कि आप जो है आप अगर वर्चुअल बॉक्स में से यूज़ करें तो उससे ज़्यादा बेहतर मैं बोलता हूँ, अगर आप पूरे उसमें कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जब आप वर्चुअल बॉक्स में करेंगे तो आपको पीसी की रिक्वायरमेंट वैसे ही बढ़ा देनी पड़ती है, क्योंकि आपको स्पेसिफिकेशन वैसे ही बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स को भी आपने जो है रैम मेमोरी वगैरह आपको जो है देना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता है। सो आप जो है क्या करें अपना एक अलग से सिस्टम बनाएं जिसमें, या तो फिर आप जो है एक अलग से पेन ड्राइव ले लें जिसके अंदर जो है आपने लाइव जो यूबंटू होती है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। आपको इंटरनेट यूट्यूब पे जो है बहुत ज़्यादा जो आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे इसके पैकेजेस जो आते हैं उसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से इसका जो है फिर आगे आने वाली फर्दर वीडियोज़ में इसके प्रोग्राम भी बनाना सीखेंगे, किस तरह से इसको जो है हाई लेवल लैंग्वेज को उस पर वेब पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो से अपडेटेड रह सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।